बुधवार को शहर के सभी वकीलों ने एक दिन का आंदोलन किया। इस आंदोलन में स्वराज्य अधिवक्ता न्यायिक सेना भी शामिल हुई थी। आंदोलक वकीलों की मांग है कि ई फाइलिंग बंद किया जाए। उनका कहना है कि ई फाइलिंग से ग्रामीण क्षेत्रों के वकीलों को खासी मुश्किलें आती हैं, कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर बिजली की समस्या होती है, इसलिए सरकार ने ई फाइलिंग के साथ ही फिजिकली फाइलिंग को भी अनुमति देनी चाहिए। नितिन कुमार रूडे, स्वराज्य अधिवक्ता न्यायिक सेना, इस संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये जो आज हम आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन ई फाइलिंग के खिलाफ में हम आज आंदोलन के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारा ये कहना है कि ये जो ई फाइलिंग है, ये जबरदस्ती वकीलों पे लादा गया एक गवर्नमेंट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का एक तरीका है। देखिए, ऐसा है कि ग्रामीण भागों में जो वकील लोग हैं, वहाँ पे लोड शेडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उनके बाद में उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी उपलब्ध नहीं है, और इस वजह से उन लोगों को बड़ी दिक्कतें जाती है, और हर वकील को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज अगर ई फाइलिंग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या कोई भी कोर्ट में लागू होती है, तो ई फाइलिंग की तकलीफ सबसे ज़्यादा वकीलों के साथ साथ में क्लाइंट लोगों को भी होगी, क्योंकि ई फाइलिंग के लिए स्कैनर लो, उसके बाद में कंप्यूटर लो, टैबलेट लो, ये सब चीज़ों की वसूली वकील कहाँ से निकालेंगे? तो वो अपनी फीस बढ़ा के आम जनता की परेशानियों को और बढ़ाने का ये कार्य हो जाएगा। दूसरी बात ऐसा कि ई फाइलिंग करने के बावजूद भी एक